मंदनी 1963 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्माता और निर्देशक बिमल रॉय थे, जिन्होंने 2 बीघा जमीन और मधुमती जैसी प्रतिष्ठित फिल्में बनाई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, धर्मेंद्र और नूतन। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया था। फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे उस वर्ष 6 पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल था। यह फिल्म एक नारी प्रधान फिल्म है जो कि हिंदी फिल्मों में कभी देखने को मिलता है। यह शायद अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांव की साधारण महिलाओं का योगदान दर्शाया गया है। जेल में एक बुढ़िया कैदी को तपेदिक का रोग लग जाता है। मैं बचूंगी नहीं डॉक्टर सर। चुप रह। जल्दी इसे हॉस्पिटल वार्ड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेज दो। जनाना हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी तीमारदारी के लिए भी तो कोई चाहिए। कल्याणी नूतन जेल में कैदी है जिस पर खून का इल्जाम है। तैयार है सरकार, भला इनमें से कौन रहना चाहेगी इस बुढ़िया के साथ? खून की उल्टी देख कर ही तो डर से मरी जा रही है सब। तुम पूछ कर देखो। जो कल्याणी स्वेच्छा से उसकी देखभाल करने को राजी हो जाती है। सबको साफ सुन गया? मैं तैयार हूँ। सुजाता के बाद बिमल रॉय की दूसरी नारी प्रधान फिल्म थी। लेकिन इनका उस बुढ़िया के पास रहना ठीक नहीं है। क्यों? छूत की बीमारी है और खासतौर पर इस उम्र में तपेदिक के कीड़े बहुत जल मार करते हैं। कोई परवाह नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी चिंता न करें। जेलर साहब, आप हुक्म दीजिए, मैं रामदेही की सेवा अच्छी तरह कर सकूंगी। सेवा कर सकने या न कर सकने की बात नहीं, ये जानती हुए भी कि काम खतरे का है, तुम जोखिम क्यों उठाना चाहती हो? यहाँ जितनी भी हैं, सबके नाते रिश्तेदार हैं, घर बार हैं, वो इस खतरे में पड़ना नहीं चाहते। बंदनी की कहानी कल्याणी नूतन के इर्द गिर्द घूमती है। हाय दैया, देखी 12 नंबर की ऊपर ऐसे बातें कर रही थी जेलर से जैसे उसकी मौसी हो। शट अप, फिर बकवास शुरू कर दी। अच्छा भाई साहब, आप उस लड़की का कार देखकर इसको तो चौंक क्यों उठे थे? उस लड़की पर लगे हुए जुर्म को देखकर मैं दंग रह गया। वो खूनी है, उसने जहर देकर किसी की जान ली और आज अपनी जान का मुंह छोड़ दूसरे की जान बचाने को कमर कसे बैठी है। जानते हो हमारे शास्त्र में लिखा है, स्त्री का चरित्र और आदमी का भाग्य ये देवता भी नहीं जान सकते तो हम इंसानों की अभिशाप है। शास्त्र की बात तो मैं नहीं जानता भाई साहब, लेकिन मेरी राय में अगर कोई एक बार अपराध कर ही बैठे तो वो हमेशा के लिए अपराधी नहीं बन जाता। बुढ़िया का इलाज करते करते जेल के डॉक्टर दविंदर धर्मेंद्र को कल्याणी से प्यार हो जाता है। डॉक्टर साहब ने भिजवाई है। कल्याणी पांव पसारे आराम कर रही है। अब क्यों जली जा रही है? जब बड़ी वार्डन जी ने उस बुढ़िया की देखभाल करने के लिए कहा था तब तो सबको सांप सूंघ गया था। हाय हाय, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? डॉक्टर साहब, मरीज के लिए एक खाट तो थी ही, आपने दूसरी क्यों भिजवाई? आपके लिए।
नहीं, मुझे खाट की जरूरत नहीं, मैं जमीन पर ही सोया करूंगी। देखिए, जेल का कानून है, जिसका जो हक है उसे जरूर मिले, वो चाहे या ना चाहे। मैं एक साधारण कैदी हूँ, अपने अपराध की सजा भुगतने यहाँ आई हूँ। 3 कंबल और 1 दरी ही मेरा हक है। डॉक्टर होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है, उस फर्ज को निभाने के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए मैंने किया। मैं एक सी क्लास कैदी ही तो हूँ, साहब, सिपाही, जमादार सभी मुझसे तू या तुम कहकर बात करते हैं, तब आप मुझे आप कहकर क्यों पुकारते हैं? जेल में मुझे नई नई नौकरी मिली है, इसलिए यहाँ के तौर तरीके सीख नहीं पाया, और फिर मैं नहीं मानता कि सी क्लास के कैदियों को तू कहकर ही बुलाया जाए। दोनों ही लंग्स इन्फेक्टेड हैं, लेकिन मुझे यकीन है मैं इसे जल्दी ही निरोग कर दूंगा। एक शुभ समाचार है, रामदेई रात भर आराम से सोई और सुबह उठने पर उसकी तबीयत भी ठीक रही, आपने उस बेचारी को बचा लिया। उसकी जान बचाने का पूरा यश तुम मुझे दो भी तो नहीं लूंगा, तुमने भी तो उसकी सेवा में न दिन देखा न रात, इस मर्ज में सेवा ही सबसे बड़ी दवा होती है। जरा टेम्परेचर देखिए। कहिए। जब तुम काम में मशगूल होती हो तो बहुत ही सुंदर लगती हो। वो रामदेई बेचारी कब तक मुंह बंद किए रहेगी? ओह, दवाई दे जाए, सर दर्द के मारे बेचारी रात भर सो नहीं सके। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? जी कुछ नहीं, जरा सर्दी सी लग गई थी। हाँ, सेहत के बारे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो तुम्हारी नब्ज। छी 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 छी, क्या टेस्ट है, एक कंफर्म क्रिमिनल के साथ रोमांस। छी, अरे भाई तुम लिखे पढ़े हो, एक डॉक्टर हो, अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते हो, खानदान की इज्जत आबरू भी तो कोई चीज है। अरे बंधु, इसे कहते हैं लव, यानी कि प्रेम। प्रीति न जाने जातो को जातो रो, भूख न जाने झूठा बात रो, प्रीति न जाने जातो को जातो रो, भूख न जाने झूठा बात। तो प्यारे, अगर प्रेम में पढ़कर आदमी अंधा ना हो जाए तो फिर बात ही क्या। आस्ते आस्ते आ रहा है। क्या मजनू जैसी शक्ल बना रखी। अरे भाई, ये प्रेम करने का अखाड़ा नहीं, जेल है जेल। मुकाला ही करना है तो कहीं बाहर जाकर करो। ला हौल विला कुव्वत। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है? डिप्टी जेलर गए हुए हैं जेलर साहब के पास, अरे यही किस्सा लेकर। अरे कल्याणी, तू यहाँ? अरे तेरे लिए तो डॉक्टर साहब ने स्पेशल खाना अस्पताल में भिजवाया है। तरमाल तरमाल, क्या किस्मत है कल्याणी की, रोटी के साथ अंडे मक्खन, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, कितनी बेवकूफी की मैंने। अगर मैं भी उस बुढ़िया की सेवा करना मंजूर कर लेती तो आज मैं भी मौजूद आती और साथ किसी नौजवान को बकरा भी बना लेती। आपने मेरे लिए खास खाना क्यों भिजवाया? दूसरे अस्पतालों में जो तपेदिक के मरीजों की सेवा करते हैं, क्या उन सबको खास खाना दिया जाता है? दूसरे अस्पतालों की बात मैं नहीं जानता, हमारे अस्पताल का यही कायदा है। लेकिन क्या सचमुच ही मुझे ऐसी खुराक की जरूरत है, या आप मुझ पर दया कर रहे हैं? नहीं नहीं, दया कैसी, तुम्हें ऐसी खुराक की जरूरत है। एक बात पूछूं कल्याणी? जी। एक टीबी के मरीज की सेवा का भार लेकर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है? कारण जो भी हो, मैं तुम्हें इस जेल में आत्महत्या हरगिज नहीं करने दूंगा। मुझ जैसी कुछ लड़की को आप क्यों बचाना चाहते हैं? जानते हैं मैं किस अपराध की सजा काट रही हूँ? जानता हूँ। और जानते हुए भी आप मुझे बचाना चाहते हैं? हाँ, अपने बीते दिनों के पश्चाताप की आग में अपने भविष्य को न जलाओ कल्याणी। आपको इससे क्या लाभ? लाभ? शायद कोई लाभ नहीं। क्या लाभ और हानि का हिसाब किताब ही जीवन की सबसे बड़ी बात होती है? इसके अलावा तुम और कुछ महसूस नहीं कर पाते।
लेकिन कल्याणी अपने अतीत के कारण उसके प्यार को ठुकरा देती है। मैं यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने, आज आखिरी बार तुम्हारे मुंह से सुन लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, कल्याणी आज मैं तुम्हारा फैसला सुनकर ही जाऊंगा। पहले मेरे बीते जीवन की कहानी तो सुन लीजिए। कल्याणी, मुझे तुम्हारे बीते दिनों से नहीं, तुम्हारे आज से मतलब है। लेकिन जब देखिएगा कि मेरे कारण आपका समाज आपके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगा, तब क्या होगा? जो दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाएगा, उसे खुलवाने की मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा। तुम चुप क्यों रह गई कल्याण? जवाब तो, अगर आज भी तुम मेरे मन की आवाज नहीं सुन सकती तो मैं इंतजार करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी फिर से भिखारिन बन गई। सारी उम्र जेलों में गट गई, लेकिन हाय दैया, लैला मजनू का ऐसा खेल तो कहीं नहीं देखा। जी नहीं, तो फिर नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? बात यह है कि जेल की आबोहवा ही मुझे माफिक नहीं है। भाई साहब, आप तो जानते हैं, यहाँ आने से पहले मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करता था। वहां मैंने देखे हैं रोगी शरीर, जिनकी दवा मेरे पास है। यहाँ मैंने देखे हैं रोगी मन, जिनका इलाज मेरे पास है। वीरेंद्र जेल की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने घर वापस चला जाते हैं। उस जेल के जेलर महेश तरुण बोस और देवेंद्र के घरेलू संबंध होने के कारण देवेंद्र जेलर को अपने प्यार के बारे में बता देता है। अगर नौकरी छोड़ दोगे तो माँ क्या सोचेंगी? माँ को तो आप जानते ही हैं, वो तो यही चाहती थी कि नौकरी छोड़कर अपने ही शहर में प्रैक्टिस करूं। कल्याणी से तुम सचमुच प्यार करते हो या सिर्फ मोह सा हो गया है? जी मोह नहीं, मैं कल्याणी से सचमुच प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी क्यों खून के जुर्म में सजा काट रही है? जी हाँ, लेकिन अब ये सब बातें एकदम बेकार हैं। कल्याणी ने मुझे अपनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? कुछ बताया नहीं। देवेंद्र के जाने के बाद जेलर कल्याणी को बुला भेजता है और कल्याणी से अपनी आप बीती सुनाने को कहता है। अचानक चला आया, क्या छुट्टी लेकर आया है? नहीं मैं, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी, क्यों? बस मन नहीं लगा। चलो अच्छा हुआ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तो बहुत उदास रहता है। बता तो सही, बात क्या है? कोई बात नहीं माँ। देख, मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरी नजरों से कुछ छुपा नहीं सकता। सच सच बता, तुझे क्या हो गया है? माँ, जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा दुख होगा, और फिर ये सब कुछ मैं अच्छी तरह बता भी नहीं सकता। अच्छा, महेश जानता है तेरी बात? हाँ भाई साहब जानते हैं। अब के बरस भेज भैया को बाबू। सुशीला ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या बात है? बोर्ड की मीटिंग में मेरा नाम मत दीजिए, मैं जल्दी रिहाई पाना नहीं चाहती। क्यों? रिहा होकर जाऊंगी कहाँ? जेल के बाहर मेरे लिए कहीं कोई आसरा नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि एक आदमी तुम्हें बाइज्जत आसरा देना चाहता था, पर तुमने इनकार किया। मैं डॉक्टर की बात कह रहा हूं, मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूं, वो नेक असूलों पर चलने वाला बहुत ही नेक आदमी है। मैं भी उन पर बहुत श्रद्धा करती हूँ, उनकी भलाई के लिए मैं उनके प्यार को अपना न सकी। मैं नहीं चाहती थी मेरे बीते दिनों के कारण उनके सुंदर निष्पाप जीवन पर कोई कलंक लगे। क्या है वो तुम्हारे बीते दिन जो आज तक तुम्हें डरा रहे हैं, तुम्हारी आइंदा जिंदगी को अंधेरे में ठकरते चले जा रहे हैं? कल्याणी यह बताती है कि उसके पिता एक गाँव में पोस्टमास्टर के ओहदे पर कार्यरत थे और वो अपनी माँ और बड़े भाई को खो चुकी थी। जब कल्याणी ये कहती है कि उसका अतीत इतना दुख भरा है कि वो बोल नहीं पाएगी, तो जेलर उससे अपनी कहानी लिख कर देने को कहता है। मुझसे नहीं कहा जा रहा, मैं नहीं कह पाऊंगी। रहने दो, रहने दो। ऐसा करो, तुम अपनी कहानी मुझे लिख कर दे। कल्याणी ने ये कॉपी आपके पास भी। अब फिल्म अतीत में चली जाती है। सब कहते हैं अब तेरे हाथ पे लेकर तुझे पढ़ाई कर देना चाहिए। तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी नहीं लगती।
दूसरों की बातें सुनते क्यों हो तुम? मैं बस पढ़ा करूंगी। कहाँ भेजे शाहजी? मुजफ्फरपुर में एक 14 बरस के लड़के ने एक फिटन पर जिसमें एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था बम फेंक दिया। कहा जमाना आ गए। अरे आजकल के छोकरे तो माँ के गोद से ही बम बनावल शुरू कर देलत। भाई आज तक तो अपने गांव में शांति ही रही, पर जब से उस क्रांतिकारी इस छोकरे को यहाँ नजर बंद किया है तो डरता हूँ कि कहीं अपने गांव में भी बम फटना शुरू ना हो। मुझे तो वो बहुत भोला भाला लगा। खबरदार, ऐसे आदमी की तारीफ करेंगे तो सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उनके तो साय से भी दूर रहना चाहिए। इधर इधर आओ, ये नदी का रास्ता क्या? उस आदमी को देखकर ये लोग भाग क्यों गए? भागेंगे नहीं, जानती है वो कौन है? कौन है? यही तो है वो इंकलाबी विकास कोष जिसे सरकार ने इस गांव में नजर बंद कर रखा है। उसके गांव में स्वतंत्रता सेनानी विकास घोष अशोक कुमार नजर बंद होता है। तो बड़ी अनोखी है, तुझे अनोखी लग रही है और मारे डर के मेरा तो दिल धड़क रहा है। मैं तो जाती और तुम भी जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा। प्रभा दीदी, क्या है कल्याणी? तर्जुमा तो पूरा हो गया, अब मैं घर जाती हूँ। जाऊँ की कैसे, मूसलाधार बारिश हो रही है, रुकने के आसार तो नजर आते नहीं। मैं कहती हूँ आज रात तुम यहीं रह जाओ। क्या खबर है तरुण? एक जरूरी काम करने का जिम्मा तुम्हें सौंपा गया है। तुम तो जानती हो कि हमारी पार्टी के विकास बाबू इसी गांव में नजर बांधते हैं। एक चिट्ठी उनके पास तुम्हें कल तक पहुंचा देनी होगी, बहुत जरूरी है। जैसे भी कल तक उन्हें मिल ही जानी चाहिए। अच्छा पहुंचा दूंगी, लेकिन तू इतनी रात के क्यों आया? आया तो बहुत पहले से, लेकिन विकास बाबू के कारण इस गाँव में पुलिस का पहरा बहुत बड़ा, इसलिए जंगल में छुप कर बैठा हुआ था। कल्याणी, सर्वनाश हो गया, तरुण शायद पकड़ा गया, किसी वक्त भी पुलिस यहाँ आ सकती है। कल्याण, तुम एक काम करो, ये चिट्ठी लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी भी तरह कल ये चिट्ठी विकास जी को दे दो। मैं? हाँ, तुम्हें कोई शक नहीं करेगा। जाओ, देर ना करो, जाओ। नहीं नहीं, सामने से नहीं, पिछवाड़े के रास्ते जंगल में से होती हुई निकल जाओ। हवालदार जी, क्या है? मुझे वहां से कुछ फूल ले लेने दो। नहीं, नहीं। बात यह है, आज हमारे घर में पूजा है ना, और जिस देवता की पूजा है उसके लिए यही फूल चाहिए, वरना पूजा नहीं हो सकती। सारा गांव ढूंढ आई हूँ, ऐसे फूल कहीं मिलते ही नहीं। ले लेने दो ना। अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। हवालदार जी, तुम बहुत अच्छे हो, बस दो फूल लेके चली जाऊंगी। कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पहचानते तुम? मैं पोस्टमास्टर जी की बेटी हूँ। सदाशिव बाबू की बेटी हो? हाँ। अच्छा अच्छा, बोल लो। आइए दरोगा साहब, आइए, तशरीफ रखिए। बात क्या दरोगा साहब, रातों रात घर के चारों तरफ कांटेदार तार लगवा दी, दरवाजे पर दो हथियारबंद सिपाही खड़े करवा दिए, ये अचानक मेरी इज्जत में चार चांद क्यों लगाए जा रहे हैं? अजी, आपकी इज्जत तो करनी ही पड़ती है, आप ठहरे शाही मेहमान। अच्छा तो कल रात की वारदात से क्या आप बिल्कुल नावाकिफ हैं? तो फटाकों से आवाज तो पड़ी थी कानों पर। आपके उन फटाकों की आवाज से ही तो हम सबों की नींद हराम हो गई। नहीं नहीं, मुझे तो नौकर भी दिया, वो है गूंगा और बहरा, गांव वालों से बात करने की मनाही, अब आपके नए इंतजाम से तो ऐसा मालूम पड़ता कि बाहर जाना तक बंद है। ऐसा कुछ नहीं, कल के हादसे के बाद हमने एहतियातन ये बंदोबस्त किए हैं। पर दिक्कत तो मुझे ही होना दरोगा साहब। बखुदा, आपकी दिक्कतों और परेशानियों का मुझे एहसास है, पर कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मैं इतनी इजाजत दे सकता हूँ, यहाँ की पब्लिक से तो नहीं, सरकारी आदमियों से आप मेल जोल रख सकते हैं, उनसे वाकियत भी कर सकते हैं, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी दरोगा साहब। अच्छा तो मैं चलूँ, आप एक बार थाने में आ जाइए हाजिरी देने के लिए। जी अच्छा।
वो चिट्ठी आपको किसने दी थी? प्रभा दीदी ने। प्रकाश की बड़ी बहन है ना? जी। अब प्रकाश इस गांव में कब आया था? अरे विकास बाबू। जी मैं ये कह रहा था हलवा आपने इतना अच्छा बनाया था, इतना स्वादिष्ट था, उसके लालच में मुझे आपके घर फिर जाना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर की लड़की थी ना, नदी किनारा, वाह 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 वाह। मैं रास्ता भूल के इस तरह चला आया, लेकिन शाम को हाजिर देना मत भूलना। आपके होते हुए ऐसे भूल कैसे सकता हूँ दरोगा साहब? विकास बाबू से डर कैसा, मुझे तो बहुत डर लगता हूँ उनसे। अच्छा अगर इस बार आए उनसे पूछना के हम कैसे बनाएंगे। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। अरे बाप रे। अरे चलो 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 बाप। आपके बाबूजी घर है? आपके पिताजी वैष्णव कविता इतनी अच्छी पढ़ते हैं, आप भी जरूर कह लेती होंगी। हाँ कभी कभी गुनगुना लिया करती। जी ये तो मैं जानना चाहता था, आप जरूर गा भी लेती होंगी। जी सुनाने लायक नहीं। आवाज इसकी बहुत मीठी है, और बेचारी को संगीत सीखने का मौका ही नहीं मिला। पर यह संगीत की परीक्षा कहाँ हो रही है, जैसा तुमसे बने वैसा गाओ। लीजिए मैं इनको तुम बोल बैठा। तो क्या हुआ, तुम ही कहना चाहिए, वो छोटी तो है तुमसे। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। आंखों में काजल डाला है, लेकिन फिर भी जब अंधेरे में उनका गोरा रंग चमक उठता है तो डरती हैं कोई देख न ले। कहती हैं भगवान मेरा गोरा अंग मुझसे ले लो और मुझे श्याम रंग दे दो। आज इतना ही सही, अब जरा बेटी कल्याणी के हाथ की मिठाई का रस भी चखे। वाह ये क्या बात हुई, दोनों रस एक साथ नहीं चखे जा सकते क्या? नहीं नहीं चखे जा सकते, दोनों रस एक साथ चखने से पता नहीं लगेगा कि मिठास किस में ज्यादा है, कविता में या इस मिठाई में। आप तो बहुत पेटू हैं जी। पेटू तो इसमें बुराई नहीं, ये तो बड़ी तारीफ की बात है, हम जैसे पेटू जिंदा इसलिए लड़कियों की कदर है, वरना इन्हें कौन पूछता। क्यों जी, आप मर्दों के पेट की भूख मिटाने के अलावा हम लड़कियों को दुनिया में कुछ काम ही नहीं है ना। भूखों का पेट भरना क्या कुछ कम काम है बेटी, तुम लोग तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, जिसके सामने देवादि देव स्वयं महादेव तक हाथ फैलाए खड़े। बिल्कुल ठीक, सुजाता की खीर न मिलती तो सिद्धार्थ कभी भगवान बुद्ध न बन पाए। बाबू जी से सहमत है? किस बारे में? यही कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके में ही उलझी रहा करें और कुछ काम कर ही नहीं सकती। शायद 3 बरस पहले मैं तुम्हारे बाबूजी से सहमत न होता, उस वक्त यही कहता कि नारी सिर्फ कोमलता ही नहीं बल्कि हर काम में पुरुष के कंधे से कंधा भिड़ाकर कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। लेकिन एक दिन एक नारी को देखकर मेरे वो विचार बदल गए। मेरा साथी दम तोड़ चुका था, देश को आजाद देखने के मतवाले की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। अचानक मेरे कानों में हैंडसअप की आवाज गूंज उठी, जमीन पर खून की बूंदों की कतार के सहारे पुलिस ने हमारा सुराग पा लिया था। हवालात के फर्श पर मैं गहरी नींद में सोया पड़ा था कि अचानक किसी ने आकर मुझे हिलाया। एक झोपड़े के पास खड़ी एक नारी को चाबी देकर जब वो लौटा तो मैंने पूछा कौन है वो देवी जिसने मुझे पुलिस की हिरासत से मुक्ति दिलाई। उसने बताया कि वो वहां के दारोगा साहब की पत्नी। नाव में बैठने के बाद जब उसने ये बताया कि मुझसे पहले भी उस देवी ने कई क्रांतिकारियों की मदद की थी तो मैं दंग रह गया। उस दिन उन दरोगा साहब की पत्नी में मां की ममता देखकर नारी के बारे में मेरे विचार एकदम बदल गए। नारी को मर्दों के साथ कंधा भिड़ाकर चलने की जरूरत नहीं, वो तो घर ही में रहकर हमारी सहायता कर सकती है। मैं चलूं कल्याणी, मेरे हाजिर देने का वक्त आ गया। जरा रुकिए मैं सांझ का दीप जला लूं। तुम्हारा ये कल्याणी नाम किसने रखा था? पता नहीं शायद भैया ने। ठीक ही रखा था, औरों के नाम होते सिर्फ पुकारने भर को, लेकिन तुम्हारा नाम है, तुम्हारा परिचय है, सही मानो में तुम कल्याणी। सुना है आंखें मन का आयना होती हैं, अगर ये सच है तो तुम्हारे बारे में मुझे जरा सी भी भूल नहीं हुई। क्यों आपने मेरी आंखों में ऐसा क्या देखा है? तुम्हारी हंसती आंखें मुझे फूलों पर अटकी शबनम की याद दिला देती है। नीले रंग की साड़ी, नीले रंग के कंगन, आंखों में काजल, बोरा बोरा अंग ले ले। यह फिल्म बिमल रॉय द्वारा निर्देशित अंतिम फिल्म थी। गीतकार के रूप में यह गुलजार की पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए मोरा गोरा रंग लैले लिखा। इसलिए चलाया,
इतनी रात गए? अच्छा मैं जाता हूँ। क्या हुआ? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, शरीर तवे सा तप रहा है। नहीं नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं नहीं जाने दूंगी, जरा बारिश थम जाने दीजिए। सो गया था? मेरी भी आंख लग गई। अब तबीयत कैसी है? विकास बाबू, ये आपने बहुत नाजायज हरकत की। खैर चलिए, कहाँ है पोस्टमास्टर साहब? जी हाँ हुजूर, बुलवाइए पोस्टमास्टर साहब को और उन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए कि शरीफों की बस्ती है, यहाँ रात में बचाना ठीक नहीं, इसे तो बेहतर है कि किसी कोने पर। मुंह संभाल के बात कीजिए, अपनी पत्नी का अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी बीवी? जी हाँ हुजूर, इनसे जरा पूछिए तो सही कि इनका ब्याह कब और कैसे। आप खामोश रहिए। मैं अभी हजूर वगैरह, बस हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों का जीवन सुखी हो। आज जो कुछ भी हुआ इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, कल्याणी के इसमें जरा भी दोष नहीं। यकीन कीजिए, सिर्फ आपको बदनामी से बचाने के लिए मैं कल्याणी का हाथ नहीं मांग रहा, मैं सचमुच कल्याणी से है कि कल्याणी की शादी विकास के साथ हो जानी चाहिए, पर उसका अपना ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है। भाईजान, सवाल इस वक्त इज्जत का है, अगर आपने इनकार कर दिया तो गांव में जितने मुंह उतनी ही बातें उठे। तुम्हारे मुंह से इतना सुन लेता कि मैंने कोई गलती नहीं की तो दिल को शांति मिलती। बाहर पुलिस मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अभी सदर जाना होगा। हमारे बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ बेटा, मैंने कल्याणी को तुम्हें सौंप देने का निश्चय कर लिया है। विकास, कल्याणी के सिवाय मेरा दुनिया में और कुछ भी नहीं, इसे कभी दुख न देना। सुनो, विकास कल्याणी से लौटकर आने पर विवाह करने का वादा करके चला जाता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आता है। कल्याणी बात सुन तो, तेरे ब्याह का दिन पक्का हुआ? पता नहीं। पता कैसे नहीं, तेरा ब्याह और तू ही नहीं जानते? लेकिन हाँ, न्योता जरूर देना हमें। अजी न्योता कैसा, ब्याह तो उसका हो ही चुका है, क्या अब दोबारा करवाएगी? उसका जवाब आया? नहीं, मेरी चिट्ठी ही वापस आ गई, वो शायद उस पते पर अब नहीं रहते। तरुण का जवाब मेरे पास आया है, उसने भी यही लिखा है, साथ में एक बुरी खबर भेजी है उसने। कैसे बताऊं तुम्हें, सुन के बहुत दुख होगा। दुख सहने की मुझे अब आदत हो गई है दीदी, आप कहिए। उसने लिखा है, विकास अब लखनऊ में नहीं रहता है, पटना में नौकरी कर ली है और उसने शादी भी कर ली है। कल्याणी, स्त्रियों का तो जन्म ही दुख उठाने के लिए होता है, तुम अपना मन कड़ा कर लो। उसकी चिट्ठी आएगी ये तो कई महीनों से सुनते आ रहे हैं, और कब तक हमें भूल भुलैया में उलझाए रखोगे? कोरी गप्पे हैं जी, उसकी चिट्ठी ना तो कभी आई ना कभी आएगी, चिड़िया उड़ गई फुर से। अगर उसकी चिट्ठी ना आए, पता
भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अब उनसे क्यों पूछते हो? अरे जब उस बदमाश छोकरे को घर बुलाकर अपनी लड़की के सामने ही प्रेम भरी कविताएं सुनाया करते थे तब पूछा था हमसे। गांव वालों के अपने पिता को दिए जाने वाले तानों से तंग आकर मेरे घर में घुस घुस कर लोग मेरा अपमान कर जाते हैं और तू कहते मैं चुप रहूं। तेरे लिए कितना जलील होना पड़ता है मुझे, या तो तू इस घर में से निकल जा या फिर मैं निकल जाता हूँ। एक दिन कल्याणी गांव छोड़कर शहर आ जाती है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन विश्वास करो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जा रही हूँ क्योंकि और कोई चारा ही नहीं। गांव वालों के हाथों तुम्हारा अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। बाबूजी मुझे माफ कर देना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। सच कहता हूँ मेरे नर्सिंग होम में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं उसे दे सकूं, लेकिन हाँ हमारी एक नौकरानी आजकल छुट्टी पर गई हुई है, उसकी जगह हमें एक और दूसरी नौकरानी की जरूरत है जो मरीजों के बिछौने ठीक कर दे, कपड़े वगैरह धो दे या कमरे साफ कर दे। क्या ये सब काम वो कर सकेगी? जी जी नहीं नहीं ऐसे काम क्यों करने लगी? मैं करूंगी डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ करूंगी। इस वक्त मुझे सिर्फ सर छुपाने के लिए। जहां उसे एक अस्पताल में नौकरानी की नौकरी मिल जाती है। मेरी जुबान लड़ाई। हाय भैया, अब इसे फेंक के मारोगी क्या? हाँ हाँ मारूंगी, जान से मार डालूंगी। तूने गंदे कप में चाय क्यों दी मुझे? अरे क्या हुआ? पूछ रहे हैं क्या हुआ? कहने को तो आपने इतना बड़ा अस्पताल खोल रखा है, पर दुनिया भर की जाहिल नर्सें और निकम्मी नौकरानियां यहाँ भर दी है। क्या किया है इसने? मेरे पति ने मेरे लिए नए कप लाकर भी रखे हैं, लेकिन उसमें चाय न देकर ये कमबख्त एक गंदे और टूटे कप में ही चाय लाई। क्यों जी, मुझे कोई सपना थोड़ी आया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए नया कप ला। सुन लिया आपने? आपके सामने खड़ी कंची की तरह जुबान चला रही है। ये तीन नंबर कमरे में जो पेशेंट आई है ना, उन्हें हिस्टीरिया है और वो गुस्सा भी बहुत ज्यादा करती है। उसे एक अधपगली महिला को देखभाल का जिम्मा सौंपा जाता है जो उसे काफी बुरा भला कहते रहती है। आज मैं आपके लिए बागीचे में से फूल तोड़ कर लाई। आय है, 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 है। सुबह ही सुबह सिंगार करके अपनी सजदे दिखाने आई। अरे चीनी तो इसमें डाली ही नहीं। चीनी मैं लाई हूँ, आप जितनी मर्जी डाल लीजिए। तू खड़ी खड़ी मुझे हुक्म चला रही है, चल डाल चीनी। मिला दे इसे। बस जाती कहाँ है कम्बा? वहाँ कोने में मेरे कपड़े पड़े हैं। एक दिन उसकी उसी शहर में रहने वाली सखी आकर बताती है कि कल्याणी के पिता उसे खोजते हुए उसके घर आए थे और फिर जब अस्पताल आने के लिए निकले तो एक मोटर से टकरा गए, लेकिन जब तक वे दोनों कल्याणी के पिता को देखने के लिए दूसरे अस्पताल पहुँचती है तब तक वे दम तोड़ चुके होते हैं। कल्याणी जब वापस अपने अस्पताल आती है थी। जा जल्दी से दो कप चाय बना के ला, अभी मेरे पति यहाँ आए। खैर पहले वहां से मेरा पाउडर का डिब्बा ला दे। सुन खबरदार, मेरे पति के सामने बन ठन के आई तो तेरी खैर नहीं। तो देखती है कि उस अधपगली महिला का पति विकास ही है। पति पत्नी की बातें सुन रही थी बेहया बच्चा। क्या बात है शिवानी, किस्मत बिगड़ रही हो? तुम बैठे जी आराम से। वो है एक बेशरम नौकरानी, आज मैं उसे सबक सिखाती हूँ। मैं अभी डॉक्टर साहब से तेरी शिकायत करती हूँ, तुझे जूते मार मार के यहाँ से निकल लाऊंगी। क्रोध में आकर वह उस महिला को चाय में जहर मिलाकर पिला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
और कल्याणी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। डॉक्टर साहब, आजकल तो बहुत खुश रहा करती थी। आज शाम को जब मैं उसके पास बैठा था वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। इतनी सी देर में ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी? डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है आपका? माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये आत्महत्या नहीं, किसी ने उसे मार डाला। नामुमकिन, मेरे नर्सिंग होम में ये पाप कोई कर ही नहीं सकता। ये शक आपको क्यों कर हुआ? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आज शाम को जब मैं उसके पास बैठा था एक नौकरानी से उसका बहुत झगड़ा हुआ और उस नौकरानी को करारी डांट खानी पड़ी। ये कमीनी नौकरानियां कभी कभी बदला लेने के लिए नीच से नीच काम कर गुजरती हैं। आप उस नौकरानी को बुलवाइए तो सही, मैं उससे बात। वो तो आपके पीछे ही खड़ी है। कल्याणी, तुम यहां? हटो हटो हटो, चलो हटो, आ जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, आपके स्टाफ के सब लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ। और शिवानी देवी के शौहर? जी हाँ, ये है विकास बाबू। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर विकास, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने आत्महत्या की। फिल्म वर्तमान में आती है और जेलर की कोशिश से कल्याणी की रिहाई हो जाती है। जब कल्याणी जेलर से मिलने पहुंचती है तो जेलर उसको देवेंद्र की मां का खत पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि देवेंद्र की मां ने कल्याणी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। जेलर कल्याणी को देवेंद्र के घर भेजने का इंतजाम करता है और उसे जेल का वार्डन के साथ रेलवे स्टेशन, जो कि स्टीमर के स्टेशन के साथ ही है, के लिए रवाना कर देता है। वहाँ उसकी मुलाकात बहुत बीमार विकास से होती है। और विकास का साथी उसे बताता है कि जब पार्टी का हुक्म मिला कि उसे एक पुलिस ऑफिसर के रिश्तेदार से मजबूरन शादी करनी पड़ेगी, तो विकास ने देश प्रेम के खातिर अपने प्रेम की आहुति दे दी। अंत में कल्याणी स्टीमर में बैठकर विकास के साथ हो लेती है। क्या बताऊं दारे? आपको फिर दारा पड़ गया? हाँ भाई, तुमने बड़ी देर कर दी, कहाँ चले गए थे? आपके लिए स्ट्रेचर ढूंढने गया था लेकिन कहीं नहीं मिला। भाई प्रकाश, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन तुम तो मरने से पहले ही कंधा देना चाहते हो। कोई बात नहीं भाई, अभी भी दम बाकी है। विकास दादा को छूत की बीमारी, उन्होंने कहा है कि आप अपने हाथ लाइसोल से धो डालिए। कब से है उनकी ये हालत? बहुत दिनों से। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, मैं उन्हें जानती। तब तो आप उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती हो। उनके लिए मन जैसे दर्द से भर उठता है। सब कुछ गंवा दिया देश के लिए, सारी जिंदगी जेलों ही में काट दी, जेल से निकलने के बाद शादी भी, फिर भी सुखी ना हो सके क्योंकि शादी उन्हें मजबूरन ही करनी पड़ी थी। मजबूरन क्यों? मजबूरन इसलिए कि उनके कैद से रिहा होते ही पार्टी के लीडर ने उन्हें एक बहुत बड़े पुलिस अफसर के रिश्तेदार की लड़की से शादी करने का हुक्म दिया। पुलिस अफसर के रिश्तेदार? हाँ, विकास दादा ने पहले तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की से प्रेम करते थे और उसे शादी करने का वचन भी दे चुके थे, लेकिन पार्टी के इस हुक्म के पीछे एक गहरा राज था। उस लड़की की मदद से पुलिस के भेद जानना। विकास दादा को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने देश के प्रेम के खातिर अपने प्रेम की कुर्बानी दे दी, लेकिन उनकी पत्नी जल्दी ही मर गई। बीमार होकर नर्सिंग होम में दाखिल हुई थी। विकास दादा का कहना है कि वहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आप उन्हें कहां ले जा रहे हैं? जिद करके अपने गांव जा रहे हैं, हालांकि वहां ना कोई डॉक्टर है और ना ही उनकी कोई देखभाल करने वाला। हम लोगों ने बहुत समझाया लेकिन दादा बस एक ही रट लगाए हुए, अब जी कर क्या करो। कल्याणी, जानता हूं आज तुम मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहोगे। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं,
बदनामी भी सहनी पड़ी। मैं अपनी कैफियत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन विश्वास करो जो कुछ भी हुआ मैं मर्जी के खिलाफ हुआ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में सारी बातें साफ साफ लिख दी थी, लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास वापस आ गई। शायद तुम लोग गांव छोड़ के चले गए थे। अब इन सब बातों से क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं कल्याणी, लेकिन मुझे कह लेने दो। किस्मत ने शायद मुलाकात इसीलिए कराई है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, वरना किसी उम्मीद थी कि यहाँ हमारी फिर से मुलाकात होगी। कल्याणी, मुझे सचमुच बहुत दुख था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी मुसीबतों से भर दी थी, लेकिन मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, प्रार्थना तक नहीं की, लेकिन अब जब तक जिंदा रहूंगा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि तुम सुखी रहो, सुखी रहो। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल, मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आकर, मेरा खींचती है आँचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार, पूरे माझी। कहाँ जा रही है? जिसके पास मुझे जाना चाहिए। कल्याणी पागल दफन हो, हमारा रास्ता उधर नहीं। नहीं वाणी जी, मेरा रास्ता उधर ही है। कल्याणी मुझे जाने दीजिए, जेले साहब से कह देना मुझे माफ कर दे। कल्याणी उधर ना जाओ। Thank you.
मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आकर, मेरा खींचती है आकर, मन मीत तेरी हर पुकार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार विमल रॉय को मिला, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नूतन को मिला, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार विमल रॉय, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार कमल बोस, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि निर्देशन पुरस्कार डी बिल मोरिया, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार जरासंध, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए मिला। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें।